हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। आजकल वैसे इन दिनों चाइना बहुत चर्चा में है, तो आज हम करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ओके, ये हमारा नंबर थ्योरी का टॉपिक है, बट इसका कोई रिलेशन नहीं है चाइना से, बस जस्ट नेम ही है। देखिए, फाइंड ऑल इंटीजर्स दैट गिव द रिमाइंडर 1, 2, 3। ये हमें रिमाइंडर मिलेंगे अगर हम इससे क्या करते हैं, डिवाइड। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं लेट एक्स बी एन रिक्वायर्ड इंटीजर, हम लेके चलेंगे। वैसे तो हमें ये कंग्रेंस की फॉर्म में होते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको लिख सकते हो। देखो, आपको पता ही है एक्स कंग्रेंस क्या आएगा, रिमाइंडर 1 मॉडुला 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। इसी तरह से 2 मॉडुला 4, 3 मॉडुलर 5। ये हमारे पास कांग्रेंस आ गए। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज ही 3 कांग्रेंस को एक साथ सोल्व करने के लिए किया जाता है। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, इनको सोल्व करके टू फाइंड द कॉमन सोल्यूशन। हमें क्या फाइंड करना है, इनको सोल्व करके कॉमन सोल्यूशन। तो ये हमारे पास, हम इसको क्या कर देंगे, कांग्रेंस के सेट को हमने क्या कह दिया, फर्स्ट इक्वेशन। हम क्या करना चाह रहे हैं, टू फाइंड द कॉमन सोल्यूशन ऑफ दिस कंग्रेंस। देखिए, ये हमारे पास कंग्रेंस का सेट है, तो अब आप इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर फर्स्ट विद एक्स कंग्रेंस ए वन मॉडुलर एम वन, एक्स कंग्रेंस ए टू मॉडुलर एम टू, एक्स कंग्रेंस ए थ्री मॉडुलर एम थ्री। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं ए वन 1, ए टू 2, ए थ्री 3। ये तो रिमाइंडर है उनको, ए वन ए टू ए थ्री। स्मॉल एम वन क्या आ गया हमारे पास, 3, स्मॉल एम टू 4, स्मॉल एम थ्री 5। ओके, तो इनकी हमें आगे यूज पड़ेगी कंपेयर कर दिया। नाउ उसके बाद देखिए हमारा क्या स्टेप है सेकंड। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने इसका वर्किंग रूल डिस्कस किया। तो अब देखिए, आपको सेकंड स्टेप में ये देखना है, जो ये M1, M2, M3 है, ये कैसे होने चाहिए आपके, रिलेटिवली प्राइम इन पेयर, पेयर्स के अंदर रिलेटिवली प्राइम मीन्स को प्राइम। तो आप देखिए, 3, 4 रिलेटिवली प्राइम है, 3 प्राइम नंबर है, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1। 4, 5 में भी यही है क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, 3 और 5 ऑल्सो प्राइम नंबर। तो ये तीन M1, M2, M3 क्या है हमारे, रिलेटिवली प्राइम इन पेयर। देन वी फाइंड कैपिटल M, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ M1, M2, M3। तो कैपिटल M हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 4 × 5, तो 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60। तो कैपिटल M हमारे पास क्या आ गया है, 60। तो ये भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, देखिए, नाउ अब हम फाइंड करेंगे कैपिटल M1 किसके इक्वल होगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल M1। इसी तरह से कैपिटल M2, इसी तरह से कैपिटल M3। कैपिटल M हमारे पास क्या है, 63। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 20, दिस वन क्या आ जाएगा, 15, ये क्या आएगा हमारे पास, 12। ओके, तो हमारे पास कैपिटल M1, M2, M3 की वैल्यू आ गई। तो ये भी हम एक बार साइड में नोट कर लेते हैं, M1 20, M2 15, M3 12, क्योंकि हमें नीड पड़ेगी, देखिए, क्योंकि हमें बार बार इरेज करना पड़ रहा है मुझे, आप पॉज करके देख सकते हैं अच्छे से। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारे 3 कंग्रेंस थे उनको सेपरेटली सोल्व करेंगे। पहले आप उसके इक्विवेलेंट में ये लिख लोगे, एम वन एक्स कंग्रेंस 1 मॉडुलर एम वन। ओके, तीनों 3 कंग्रेंस बनाओगे, इसी तरह से तीनों को सेपरेटली सोल्व करेंगे। कैपिटल एम वन हमारे पास क्या है, 20 मॉडुलर 3। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम करते थे इनको, ठीक है।
तो 3 का मल्टीपल लो ताकि ये क्या हो जाए कैंसिल। तो क्या लेंगे हम जिससे ये कैंसिल हो जाए 20। तो यहाँ थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। देखिए ताकि हमारा कैंसिल हो जाए। देखिए यहाँ पर हम अब वो लेंगे जैसे हम सोल्व करते थे कंगना, 3 का मल्टीपल लेना है ताकि ऐड करने पर राइट हैंड साइड में एक्स का क्वेश्चन 1 हो जाए। तो हम क्या ले लेंगे 39 ले लेते हैं 3 का मल्टीपल, ऐड कर देंगे कंगना सेकंड एंड थर्ड। तो ये हमारे पास एक्स कंग्रेंट 2 मॉडुलर 3, एक कंग्रेंट हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया x1 इक्वल्स टू 2। सिमिलरली हम अनदर कर लेंगे, यहाँ बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ m2 आ जाएगा, यहाँ स्मॉल m2। तो ये क्या है 15x कंग्रेंट 1 मॉडुलर 4। अब अगेन देखिए क्या वैल्यू लेंगे कि हमारी कैंसिल हो जाए। देखिए 4 का मल्टीपल क्या ले कि इससे कैंसिल हो जाए, 44 ले लेते हैं। ओके तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड 4th एंड 5th कंग्रेंट। तो यहां से हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, x2 की वैल्यू 3। नाउ सिमिलरली थर्ड को देखिए, यहां क्या आ जाएगा 3 दिसमें ऑल्सो। कैपिटल m3 क्या है 12 मॉडुलर 5। तो अब हम क्या वैल्यू लेके ये कैंसिल हो जाए, तो यहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सोचना पड़ता है। तो अब यहाँ हम ले लेते हैं 35 का मल्टीपल। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 12x कंग्रेंट 36 मॉडुलर। बस आपने ये देखना है कि हम इसको इसका मल्टीपल ऐसा हो कि हमें रिमाइंडर क्या मिले 0। तो इनको ऐड करें तो हमारा राइट हैंड साइड पे x का क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए 1। तो ऐड कर देंगे आप, सेकेंड थर्ड हो गया तो फोर्थ फिफ्थ भी हो गया 6 7, एड 6 एंड 7। हमारे पास यहाँ से सोल्यूशन आ गया x3 ऑल्सो 3। तो ये आ गया हमारा, हमने क्या किया तीनों कंग्रेंस को सेपरेटली सोल्व कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे इसका कॉमन सोल्यूशन जो हमारा मेन मोटिव था, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा कैपिटल x किसके इक्वल होगा, a1 x1 m1 प्लस a2 x2 m2 प्लस a3 x3 m3। a1 1 है, x1 2, m1 20, a2 2 वैल्यूज पुट करनी है जस्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 40, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 45, 45 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 90। उसके बाद देखिए 36, 36 को 3 से करोगे 108। ओके नाउ ऐड कर दीजिए इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास 130 प्लस 108। तो इसको कर दीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास 8 238। तो ये हमारा कॉमन सोल्यूशन आ गया, बट हमें लीस्ट सोल्यूशन फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए हमें क्या फाइंड करना है, लीस्ट सोल्यूशन। तो लीस्ट सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, कैपिटल एक्स को डिवाइड कर देते हैं कैपिटल एम से। किससे डिवाइड करते हैं, कैपिटल एम। तो ये हमारे पास कहां, देखिए किस पे जाएगा 65 या तो 300, 64 या भी नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा 180। तो 8 13 में से 8 माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा 5। तो हमारा ये क्या होगा, जो ये रिमाइंडर आया है यही क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो,
एक्स कंग्रेंट आर मॉडुलर एम। यही आपका सोल्यूशन है। ओके, अगर आपको सपोज इसमें इसको आप एक्स की वैल्यू को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 60 को 58 आपको इस फॉर्म में मिलेंगे। देखिए एक्स कंग्रेंट जब आप डिवाइड करेंगे माइनस टू मॉडुलस 60, और वैसे आप यहीं पर अपना लिव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, नाउ अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसके जो वीडियोस हैं आपके पास अपडेट तभी आएंगे। तो बेल आइकन और शेयर करना चैनल को मत भूलिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।